तो दोस्तों अभी मैं और कट्टू जा रहे हैं भाई को मुख्य अग्नि देने। यहाँ से ठीक नीचे है भाई का घर और सीधे नीचे वहाँ पर जाना है हमने। और गांव का आज माहौल सुनसान हो रखा है, तो मेरे साथ अभी गट्टू भाई भी आ गया है। तो दोस्तों मेरे साथ अभी गट्टू भी आ गया है और मैं और गट्टू जा रहे हैं और गांव में सभी लोग चले गए हैं उनके घर पे। दोस्तों मन नहीं कर रहा यार वीडियो बनाने का। हमारा दोस्त है यार गणेश भाई और अचानक ये सब हो गया यार। मतलब ऐसा क्यों करते हैं यार भगवान। तो मेरा तो यार कैसे बताऊं आपको कि क्या हो गया यार अचानक। परसों तो हमने एक साथ मैच खेले थे यार, अभी मतलब एक हफ्ते की बात है हम एक साथ में मतलब मैच खेलने गए थे और साथ में कितना अच्छा लग रहा था यार। अब गांव में मतलब अपना दोस्त है यार भाई और रास्ते से हम इधर उधर जाते थे भाई, मिलता रहता था। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान गणेश भाई की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान। तो दोस्तों अभी ना गांव में सुनसान हो रखा है बिल्कुल, और जब कुछ ऐसा होता है तो गांव में सन्नाटा पड़ जाता है। अब मौसम देख सकते हो अभी ऐसा हो गया बारिश वाला। तो दोस्तों आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार। अभी मैं आ रहा हूँ भाई को मुख्य अग्नि देके और इतना रोना आ रहा है ना अंदर से। रोना क्यों नहीं आएगा यार, अपना दोस्त था, अपना बड़े भाई जैसे था। 3 दिन पहले हमने आपस में मैच खेला था और जब गांव में भंडारा था तो एक साथ काम किया था और काफ़ी यादें थे यार भाई के साथ। हमारे साथ का था भाई, हमसे थोड़ा बड़ा था लेकिन अपना दोस्त जैसा था, अपना बड़ा भाई जैसा था। और कल क्या हो जाए यार किसी को पता नहीं है कल क्या हो जाए। 3 दिन पहले भाई हमारे साथ था और कल कुछ ऐसा हो गया कि रोना आ रहा है यार अंदर से काफ़ी। और बस हम क्या कर सकते हैं यार, वापस तो हम बुला नहीं सकते हैं। बस भगवान से यही विनती करते हैं, भगवान भाई की आत्मा को शांति दे। भाई जा रहा था मीटिंग में कहीं पर, बाइक में गए थे और थोड़ा सा धूप सेकने के लिए बैठे और इतने में ये घटना हो गई। तो यार दोस्तों अगर आप लोग भी कहीं ट्रैवल करते हो तो ध्यान से ट्रैवल करना, कल का क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। भगवान बस सबको सही सलामत रखे। आप भी कहीं ट्रैवल करते हो तो ध्यान से ट्रैवल करना यार। अचानक क्या हो गया भाई के साथ, भाई कहीं जा रहे थे मीटिंग में और बाइक में ट्रैवलिंग कर रहे थे तो आधे रास्ते में रुके और धूप सेकने के लिए जैसे बैठे बस इतने में ये घटना हो गई। तो यार भगवान ऐसी घटना किसी और के साथ ना करे। भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी को सही सलामत रखे। और तो यार दोस्तों अगर आप भी कहीं लंबा ट्रैवल करते हो तो आप थोड़ा ध्यान से चलिए। और आजकल आपको पता ही है पहाड़ों में काफ़ी ठंड होती है, बर्फ़ का सीज़न है और आपको हल्के हल्के रुक के और अपने शरीर को देखते हुए चलना है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोस्तों अभी ना मौसम भी थोड़ा हल्का चेंज हो गया है और हल्की बूंदाबांदी लगी थी थोड़ी देर पहले और अभी आसमान में बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, बिल्कुल काले काले, और ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल हो जाएगा।